दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि एडमिट कार्ड कैसे निकले तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एडमिट कार्ड क्या होता है और एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो चलिए अब जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, आपने भी बहुत सी परीक्षा दी होगी तो आप जानते ही होंगे कि एडमिट कार्ड के बिना हम किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। यही वो कार्ड होता है जिसके जरिए हम परीक्षा हॉल में बैठने दिया जाता है। तो आज हम आपको यह भी बताएंगे कि एडमिट कार्ड देखने के लिए आपको क्या करना है। तो आप जिस भी एग्जाम का एडमिट कार्ड निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। फिर उसमें एडमिट कार्ड डाउनलोड के ऑप्शन पर जाकर उसकी लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन संबंधित जानकारी यानी अपना आईडी पासवर्ड डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो रोल नंबर से एडमिट कार्ड कैसे निकाले यह भी आज आपको इस वीडियो के माध्यम में जानेंगे और हम आपको यह बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारी सभी वीडियो पसंद आ रही होगी और इसी तरह आप आगे भी हमारी चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए जानते हैं अब एडमिट कार्ड कैसे निकालते हैं और एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं। अगर आप भी अपना एडमिट कार्ड निकालना चाहती है तो इस वीडियो में आपको बहुत काम आने वाली है, क्योंकि एडमिट कार्ड कैसे चेक कर से जुड़ी पूरी जानकारी आपको यहां से मिलेगी। तो पहले हम जानते हैं एडमिट कार्ड कैसे निकाले। अब हमको बताएंगे कि कॉलेज का एडमिट कार्ड कैसे निकाले या अपना नेम से एडमिट कार्ड कैसे निकाले। जब आपका एग्जाम होता है तो उसके लिए आपको एक वेरिफिकेशन कोड देना होता है जिससे यह पता चलता है कि आपने एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और नहीं। यह एग्जाम देने की एक आईडी होती है जिसे हिंदी में प्रवेश पत्र कहा जाता है। मतलब इसके माध्यम से ही आपका परीक्षा में प्रवेश संभव होता है और आप परीक्षा दे पाते हैं। तो एनपी ऑनलाइन एडमिट कार्ड कैसे निकाले। अगर आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल के द्वारा प्रवेश पत्र कैसे निकाले के बारे में जानना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान है। आप इसके जरिए एडमिट कार्ड निकाल कर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जान लेते हैं अब एडमिट कार्ड कैसे चेक करें और उसको फिर से डाउनलोड करें। तो अगर आपको SMS के द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मैसेज प्राप्त हुआ है तो मैसेज में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की वेबसाइट भी दी गई होती है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको SMS प्राप्त नहीं हुआ है तो आपको नीचे हम एडमिट कार्ड देखने के लिए वेबसाइट बता रहे हैं, उस पर जाकर भी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले आपको गो टू वेबसाइट, अर्थात इसके लिए आपको जिस भी एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और एडमिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसमें जो भी एडमिट कार्ड रिसेंटली आया है उसके लिस्ट दी गई होती है। आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था अगर उसका भी एडमिट कार्ड आ गई है तो इस तरह से आप RPF एडमिट कार्ड ऑफ FCA 2021 या फिर एडमिट कार्ड ऑफ AIIMS 2021, DABB एडमिट कार्ड 2021, एडमिट कार्ड इंडियन आर्मी, एडमिट कार्ड 2019 CBSE या फिर एडमिट कार्ड 2021 CET, एडमिट कार्ड 2021 RRBJEE और भी एग्जाम्स के एडमिट कार्ड आप डाउनलोड ऐसे कर सकते हैं। पहले आप क्लिक एग्जाम नेम, अगर आपको उसका एडमिट कार्ड मिल जाता है तो उस एग्जाम पर क्लिक करें और स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे जाएं जहां आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करने पर उस एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कुछ डिटेल्स जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, सारी जानकारी को डालकर डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप इसे प्रिंटर की मदद से प्रिंट कर सकते हैं। तो बस इस तरह से आप किसी भी एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसे निकाल सकते हैं। तो एडमिट कार्ड कब मिलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एडमिट कार्ड आया है या नहीं, तो हम कैसे जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले तो जो आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म भरते समय डाले थे उस पर आपको एक मैसेज आएगा। जिस एग्जाम के लिए आपने फॉर्म डाला था उसका एडमिट कार्ड आ गया है और उस मैसेज में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी दी गई होती है। तो उम्मीद है आपको एनरोलमेंट नंबर से एडमिट कार्ड निकालने के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो आज को वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि एडमिट कार्ड कैसे निकाले और साथ ही हमने आपको नेम से एडमिट कार्ड कैसे निकाले यह भी बताया। आशा करते हैं कि हमारे वीडियो जानकर साबित होगी और आगे आप हमको ऐसे ही सपोर्ट करिए। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।